नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इतनी बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हम। पीड़ित आदिवासी महिला ने दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। जी हम बहुत बता दें, नरवर से है, जहां पर ग्राम पंचायत जैतपुर निवासी आदिवासी पीड़ित महिला गुलाबो बाई ने आज नरवर थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित आदिवासी महिला ने थाने पहुंचकर बताया कि वह अपने पति छोटू आदिवासी विगत 4 वर्षों से ग्राम पंचायत जैतपुर में मनीष शर्मा, जितेंद्र शर्मा पुत्रगण आराम निवास शर्मा, मोहन लाल शर्मा के खेत पर बटाई का काम मजदूरी करते थे। महिला ने बताया, उक्त तीनों आरोपीगण जबरदस्ती लाठी और बंदूक का दबाव बनाकर उक्त महिला तथा उसके पति से मजदूरी कराते थे। मजदूरी का पैसा भी नहीं देते थे। विगत 4 वर्षों का बटाई का पैसा भी महिला और उसके पति को नहीं मिला। वहीं महिला ने आरोपियों पर अवैध संबंध बनाने का भी आरोप लगा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूरी बटाई कर लेता है, परेशान मानने की धमक बताता है, क्या मार देंगे बंदी की बात, मेरे आदमी को करंट मिरंट भी लगाता है, खेत में गाड़ने की धोस देता है, और ना SP में जाके पूरे कागज को अंगूठा भी लगवाता है। इसमें मनीष शर्मा उसका भाई का राम निवास उसका पिताजी, ये कौन से गाँव के रहने वाले हैं, जब तो थाना कौन सा लगेगा इनका, तो अभी आप पुलिस के पास गए तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे क्या कहते हैं ये लोग आपसे, रात में कुगा फैले जाते हैं जबरदस्ती से, चलो खेत में पानी भराने के लिए, और रात में गलत संबंध की बातचीत करते हैं और ले जाते हैं। छोटा भाई तो मेरी जकड़ का कोई भरता है, बड़े भाई ने मेरी छाती माती दबाई है, अभी भी मेरे पास दर्द हो रहा है मेरी छाती में, ऐसे बोलते हैं गलत संबंध हमसे बनाओ, हम गलत संबंध नहीं बनाते हैं, गलत संबंध बनाएंगे तो जो बोलते हैं ऐसे तू सही लगेगी, गलत संबंध नहीं बनाएगी तो हम तेरे को मार के खेत में गाड़ लेंगे, और छेड़ा छाड़ी को कैसे करता है। झूठे आवेदन दिलवाए थे ना, मैं तो देवर साहब थे पढ़ाना लिखा, तुमने झूठा आवेदन लगवाया SP के पास, झूठा ये आए थाने में आए थे, क्या हुआ था, आज थाने में आवेदन दिया, आवेदन आए तो कम हम थाने में आए थे, क्या सुनवाई हुई आपकी पुलिस ने, क्या कहा, खुद नहीं किया, कोई तक पता कोई भी का जवाब नहीं दिया, ये क्या करेंगे फिर आगे, अब कहते तो फिर आगे में सुनवाई नहीं होगी तो फिर तो फिर फिर भोपाल जाएंगे, फिर हम SP साहब के पास भोपाल भोपाल जाएंगे, चलिए ठीक, तो SP साहब आने का सुनेंगे नहीं बस, तो सीधे हम भोपाल आने से खत पटकेंगे, चलिए ठीक है। ऐसी ताजा तबीयत खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर खबर से अपडेट रहे। धन्यवाद।